अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। फ्रंट कल्चर में आज हमारा लास्ट टॉपिक है फ्रंट एंड सेंसरशिप। कल हमने देखा कि फ्रंट की वजह से हमारी इंडियन सोसाइटी में जो एबल्स थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, इस हवाले से भी फ्रंट ने भी बहुत काम किया और इस क्लास और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने में, इसको हटाने में, इसको रिमूव करने में फ्रंट का अहम रोल हुआ और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो हिंदुस्तानी सोसाइटी की है, समाज की है, वो गरीब है, पुअर है, तो जो तालीम से भी दूर थे, एजुकेशन से भी दूर थे, लेकिन फ्रंट की वजह से इन तक भी एजुकेशन को पहुंचाने का काम शुरू हुआ और जो वर्कर्स हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज में जो काम करते थे इनके आदत कुछ बिगड़े हुए थे, इनके बारे में भी सोशल रिफॉर्मर्स ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिनकी वजह से न्यूज़पेपर्स और इनके बिहेवियर को मोल्ड करने के लिए काम हुआ और लाइब्रेरीज सेटअप हुई ताकि इन तक भी ये अपने ख्यालात को, अपने करेक्टर और अपने बिहेवियर को तब्दील करें और नए नए ख्यालात और नज़रियात से अपने जहनों को बदलें। तो इस तरह से एक चेंज आई। तो अब आज हम देखेंगे कि प्रिंट और सेंसरशिप, प्रिंट जो अब तक चलता रहा और क्या वजह हुई कि 1789 तक 1798 तक अभी प्रिंट बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा था। 1798 तक प्रिंट जो है बगैर किसी डिसरप्शन के, बगैर किसी रुकावट के, इंटरफेरेंस के चलता रहा। गवर्नमेंट की तरफ से इसको कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन 1798 के बाद इस प्रिंट में अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस पर अब चेक करना शुरू किया और इसकी तरफ अब ध्यान दिया। और सबसे पहले जो है कि ये प्रिंट जो है इस पर रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां और ये सेंसरशिप क्यों लगा, सबसे पहली वजह इसकी यह है कि 1798 से पहले तक प्रिंट ठीक तरह से चलता रहा आज़ादी से, तो इनके लिए कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन 1798 यानी 20th सेंचुरी जब शुरू होती है तो सेंसरशिप, इनमें सेंसरशिप शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो सेंसरशिप शुरू होती है कि इंग्लिश मैन इन इंडिया, क्योंकि कॉलोनियल रूल यहां था, अंग्रेजों की हुकूमत यहां थी, अब कुछ ट्रेडर्स भी थे, कुछ इंग्लिशमैन यहां जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के साथ इख्तिलाफ रखते थे, इसकी अपोजिशन करते थे। ये इंग्लिशमैन ही थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले ही थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मिस रूल को मॉनिटर करते थे और इनको अपने न्यूज़पेपर्स में कभी कभी क्रिटिसाइज भी करते थे। और इस तरह से इन्हें कुछ कंप्लेंट्स थी कंपनी के ऑफिशियल्स के बारे में, इनके बिहेवियर के बारे में, और इस तरह से इन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स में, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में इन्होंने ऐसे इंग्लिश, ये जो इंग्लिश लोग हैं इन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वीकनेसेस थी, जो कमजोरियां थी, जो मिसरूल उनका था, इसके बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स और एडिटोरियल्स में लिखना शुरू किया, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी आउटरेज हो गई और ये बहुत परेशान हुई और इसने सोचा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ऐसा हो सकता है कि ये इंग्लिशमैन इंग्लैंड में जाकर भी हमारे इस रूल के खिलाफ, हमारी पॉलिसीज के खिलाफ हमें वहां एक्सपोज करेंगे और वहां
हमें अगर वहां भी क्रिटिसाइज हुआ, तो इंग्लैंड में अगर हमारी क्रिटिसाइज हो गई, तो हमें जो ट्रेड कंसेशन यहाँ इंडिया में हासिल हैं, मोनोपोली ऑन ट्रेड जो हमें यहाँ हासिल है, वो तो डोमिनेंट इनका ट्रेड था, और इनको ट्रेड कंसेशन जहाँ थे, ट्रेडिंग राइट्स इनको यहाँ थे, कि मुमकिन है कि ये मोनोपोली ऑन ट्रेड जो है इसमें तब्दीली हो सकती है। ट्रेड में जो मोनोपोली है हमें अख्तियार हासिल है, तो फिर इसमें तब्दीली आएगी। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इन न्यूज न्यूज पेपर्स पर बैन लगाई। तो हम देखते हैं कि इंग्लिश न्यूज पेपर्स पर 1820 में अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, सुप्रीम कोर्ट के जरिए से, सुप्रीम कोर्ट के जरिए से इन्होंने अब इसको, ये जो है कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के जरिए से इन्होंने एक एक ऑर्डर लाया, एक कानून बनाया कि जिसके तहत ये सेंसर, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं इनको बैन किया गया, इनको रेस्ट्रिक्ट किया गया, और इनके जो ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट्स जो ये छापते थे, ऐसे न्यूज़पेपर्स पर बैन हो गई। और 1820 में हम देखते हैं कि पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने, तो इसने बैन लगाई न्यूज़पेपर्स पर। सबसे पहले बैन 1820 में हुई। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और कुछ वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स भी थे, जो लोकल न्यूज़पेपर्स यहाँ थे, उन पर भी बैन यहाँ शुरू हुई। तो इसके बाद इसके रिएक्शन में फिर 1835 में, 1835 में क्या होता है, 1835 में अब इसके खिलाफ पेटिशन होता है। अब इस, ये जो बैन लगाई गई, ये जो सेंसर लगाया गया न्यूज़पेपर्स को, तो 1835 में इसके खिलाफ जो है एक पेटिशन दायर हो जाती है, और कोर्ट की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पेटिशन आता है, और जिसकी वजह से यहाँ का गवर्नर जनरल जो था, लॉर्ड माउंट बेंटिंक जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड माउंट बेंटी, तो इसने अब सोचा कि थोड़ी पेटिशन्स को और कानून कानून का सहारा लेकर अब इसने थोड़ा कंसेशन देनी शुरू की, और इसने थॉमस मैकेवली, ये एक लिबरल ऑफिशियल थे कंपनी के, और इसने फिर रिवाइज किया कोर्ट के ऑर्डर को ऑनर करते हुए। इसने अब रेस्टोर किया ये रेस्ट्रिक्शन, वो पहली पोजीशन जो अर्लियर फ्रीडम था प्रेस का, वो फिर रेस्टोर हुआ। और थॉमस मैकेवली ने अब फॉर्मुलेट किया कुछ पॉलिसीज, रूल्स में कुछ तरमीम की, और इस प्रेस पर जो पाबंदियां थी इनको हटाया, और वो जो रेस्टोर किया प्राणी, वो फ्रीडम जो थी प्रेस की, ये रेस्टोर हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि फिर 1857 में जब यहाँ फर्स्ट ये जो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो जाती है, एक नेशनल स्ट्रगल शुरू हो जाती है 1857 में, इसको इंडिया ने बहुत बेदर्दी के साथ, कॉलोनियल पावर ने इसको बहुत ही बेदर्दी के साथ इसको सप्रेस किया, और बहुत से लोगों को यहाँ यहाँ से जो है किल किया गया और मारा गया, और ये सबसे पहली जो फ्रीडम स्ट्रगल थी। और यहाँ फिर जो यहाँ के वर्निकुलर पेपर्स थे, जो यहाँ के लोकल न्यूज पेपर्स थे, उनमें अब नेशनलिस्ट रंग भर गया था। अब वो थोड़ा नेशनलिस्ट अंदाज में अब सोचने लगी। अब इन्होंने एक बेंट दिखाया, नेशनलिज्म का एक बेंट दिखाया, अपने मदरलैंड की तरफ एक टिल्ट दिखाई। तो इस तरह से
अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, ये जो इमोशंस हैं, अब ये जो वर्निकुलर प्रेसेस में, न्यूज़पेपर्स में, ये अब छपने लगा। तो इस तरह से 1857 में जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, जिसको कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बहुत बेदर्दी से इसको करप्ट किया, इसको क्रश किया, और फिर जो न्यूज़पेपर्स, इसके जो वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स थे, इनमें अब थोड़ी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बातें आ गई, और नेशनलिज्म और इस तहरीक के हवाले से कुछ इसके साथ कुछ हमदर्दी दिखाई गई, सिंपैथी दिखाई गई। नतीजा ये हुआ, गवर्नमेंट फिर आउटरेज हो गई, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फिर एक बार फिर इसको वर्निकुलर प्रेस को बैन किया। अब इस वक्त इंग्लिश न्यूज़पेपर को बैन नहीं हुआ है, अब सिर्फ वर्निकुलर प्रेस, यहाँ के लोकल प्रेस जो है, इनको बैन, ये बैन हो जाती है। और इस तरह से 1857 की फ्रीडम स्ट्रगल के सिलसिले में जो यहाँ के वर्निकुलर न्यूज पेपर्स जो यहाँ प्रिंट हुआ करते थे, इन पर फिर सेंसर आई हुआ, सेंसरशिप के दायरे में ये आ गई। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। 1878 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला जिसको हम कहते हैं वर्निकुलर प्रेस एक्ट। इन 1878 गवर्नमेंट पास वर्निकुलर प्रेस एक्ट। वर्निकुलर प्रेस एक्ट, अब इस वर्निकुलर प्रेस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को अब ये इनॉर्मस पावर्स मिल गए। अब गवर्नमेंट को ये राइट मिल गया कि वो न्यूज़पेपर्स को, जो न्यूज़पेपर अपने एडिटोरियल में या अपने रिपोर्ट्स में कोई भी ऐसा कंटेंट, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगर वो प्रिंट करे, तो गवर्नमेंट उसको सेंसर कर सकता है। और इस तरह से तमाम वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स को देखा जाता था, इनको माइन्यूटली, इनकी तमाम, इनके जो एडिशंस हुआ करते थे, इनके जो एडिटोरियल्स हुआ करते थे, इनको जज किया जाता था। और इनको जज करने के बाद अगर इनको सेडिशियस पाया जाता तो फिर इनको वार्निंग दी जाती थी, एडिटर को वार्निंग दी जाती थी कि आपका ये न्यूज़पेपर जो है, आप इसमें सेडिशियस रिपोर्ट शाया करते हैं, प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो फिर अगर वो इस वार्निंग को अगर वो इग्नोर करता, तो इग्नोर करने के सिलसिले में फिर गवर्नमेंट को यह हक होता कि वो इस पेपर को जो है वो इसको सेंसर करता, वो इसको ये जो बैन करता। और फिर प्रेस बैन हो जाता, प्रेस सीज हो जाता, यानी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सीज हो जाता, और प्रिंटिंग मशीनरी जो होती थी वो कन्फिस्केट हो जाती थी, यानी उसकी ओनरशिप जो है वो खत्म हो जाती थी, और ये गवर्नमेंट के तहवील में जाती थी। तो इस तरह से गवर्नमेंट प्रेस जो है, ये वर्निकुलर प्रेस जो है, वर्निकुलर एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट को ये ताकत मिला, ये पावर हासिल हुआ कि वो किसी भी प्रेस को, किसी भी न्यूज़पेपर को अब सेंसर कर सकता था, अगर उसमें वो जरा सा भी सेडिशियस, ये जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट देखता, मवाद देखता गवर्नमेंट के खिलाफ। और इस तरह से ये जो है उसकी जो है, इस प्रेस को सीज किया जाता, और इसकी प्रेस, ये जो प्रिंटिंग मटेरियल है, मशीनरी है, इसको कन्फिस्केट किया जाता था, यानी उसकी ओनरशिप से उसको, ये जो मतलब उसकी ओनरशिप सीज हो जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब ऐसा, ये जो स्ट्रिक्ट, एक बहुत ही खतरनाक, ये जो एक जबरदस्त सीरियस स्ट्रिक्ट था ये कॉलोनियल गवर्नमेंट का, तो इसकी रिएक्शन में तो भी ये जो लोकल न्यूज़पेपर्स बढ़ते रहे, और ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर्स अब ये जो अपने इस मतलब शाया होने लगे, प्रिंट होने लगे। लेकिन गवर्नमेंट ने नया ही रेप्रेशन शुरू किया, नया ही अब जुल्म शुरू किया, और प्रोसिक्यूशन के नए नए तरीके शुरू किए, और नतीजा ये हुआ कि इसकी रिएक्शन में लोगों की तरफ से एक आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हो गई, यानी आर्म्ड रिबेलियन। जब प्रेसेस को सीज किया गया और इनकी प्रिंटिंग मटेरियल को, मशीनरी को कन्फिस्केट किया गया, तो अवाम ने अब आर्म्ड प्रोटेस्ट शुरू किए, आर्म्ड प्रोटेस्ट। तो गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट को बहुत ही
ये जो रिप्रेस किया, इनको गर्व करने की कोशिश की और इन्हें बहुत ही जोर से फोर्स से इनको दबाया। तो नतीजा यह हुआ कि हम देखते हैं कि पंजाब में रेवोल्यूशनरी जो पंजाब में थे, जो इसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे, और इनको 1907 में इनको डिपोर्ट किया गया। और इसकी रिएक्शन में बाल गंगाधर तिलक जो है उसने इनकी सम्पैथी में एक बहुत कुछ अपने रिमार्क्स जाहिर किए। तो नतीजा यह हुआ कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बाल गंगाधर तिलक को इसकी रिएक्शन में 1908 में उसको ये जो इम्प्रिजनमेंट सुनाई और उसको कैद किया गया। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इम्प्रिजनमेंट सुनाई और उसको जेल भेज दिया गया। और जिसके नतीजे में फिर पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, व्हाइट सेपरेट प्रोटेस्ट हो गए। और इसकी रिएक्शन में जब बाल गंगाधर तिलक को ये जो मतलब कैद किया गया, क्योंकि इसने रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट जो है पंजाब के जो रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्टर्स थे इनकी हिमायत में उसने कुछ बयान दिया था और कुछ इनके इनके बारे में लिखा भी था कि सारी में, तो इस तरह से इन गवर्नमेंट ने इसको कैद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो प्रिंट और सेंसरशिप ये क्यों शुरू हुआ कि जब भी गवर्नमेंट को ये मौका मिला कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इसकी कोई बात ऐसी हो जिसके साथ आवाम जो है इख्तिलाफ करे। और सिर्फ गवर्नमेंट ने इन्हीं पेपरों को सेलिब्रेट किया, जो इनकरेज इन्हीं पेपरों को किया जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सेलिब्रेट करती थी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की तारीफ करती थी, और बाकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ जरा भी लिखते तो इन ऐसे पेपर्स को सेंसर किया गया। और ऐसे पेपर्स में इंग्लिश पेपर्स को भी नहीं छोड़ा गया, और इंग्लिश पेपर्स भी इस सेंसरशिप से नहीं बचे। और फिर ये जो यहाँ के लोकल पेपर्स थे इनको बिल्कुल ही वर्निकुलर एक्ट के तहत जो है बिल्कुल बैन किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रिंट और ये सेंसरशिप जो है ये किस तरह से यहाँ की फ्रीडम स्ट्रगल को करप्ट करने के लिए और यहाँ के ये जो है रूल को कायम रखने के लिए और यहाँ की लोगों की और प्रिंट को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपने दौर में दबाया और प्रेस को किस तरह से सेंसर किया और प्रिंटिंग मशीनरीज को कन्फिस्केट करके इसकी ओनरशिप से इन एडिटर्स को इन ओनर्स को ये जो इनसे महरूम कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर था प्रिंट कल्चर तो ये कंप्लीट हो गया। तो अब हिस्ट्री का जो ये कंप्लीट हो गई हमारी, अब इसके जो आपको स्टडी मटेरियल है वो भी इंशाल्लाह पहुंचेगा। तो इस तरह से आप इंशाल्लाह घर बैठे आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे और जो आने वाले वक्त होगा तो किस तरह से आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बारे में भी पता चलेगा, लेकिन आपको अपने आपको प्रिपेयर करना होगा। तो इस तरह से आप तक ये पूरी चीजें पहुंच जाएंगी, तो आपको घर बैठे बैठे अपने आपको प्रिपेयर करना है। तो शुक्रिया।